नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सूजी की स्वीट मठरी बनाएंगे। बहुत जल्दी बन जाती हैं और इन्हें एक बार बना लें तो काफ़ी लंबे समय तक रखकर खा सकते हैं। सूजी की स्वीट मठरी बनाने के लिए हमने एक कप सूजी ले ली है। यह हमने एक तिहाई कप गेहूं का आटा लिया है, एक टेबलस्पून तिल, ये हमने चार छोटी इलायची का पाउडर बनाया है और ये आधा कप पाउडर शुगर। चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा शुगर डाल दें तो हमारी मठरियाँ फटने लगेंगी। इन्हें हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। एक तिहाई कप तेल लिया है, 6 टेबल स्पून तेल है, मिला लेंगे। ये हमने आधा कप गरम दूध लिया है, इतना गरम है कि हमारे हाथ सहन कर पाएँ। दूध डालकर मठरी के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूँथेंगे। वैसे तो हम मठरी के लिए सख्त आटा गूँथते हैं, लेकिन ये सूजी है वो फूलकर आटा सख्त हो जाएगा। हमने बारीक सूजी ली है, अगर बारीक सूजी अवेलेबल ना हो तो आप मोटे वाली सूजी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आटे की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लें। आप एक कप सूजी लिए तो आधा कप आटा ले लें। यह हमने हल्का सॉफ्ट आटा लगाया है। आटे को ढककर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, सूजी फूल जाएगी, आटा सेट हो जाएगा। इसके बाद हम मठरी बनाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा भी फूल कर अच्छा सख्त हो गया है। हम आटे को मसल कर थोड़ा सा चिकना करेंगे, इसे 2-3 मिनट अच्छे तरीके से मसल लेंगे। और इतना आटा लगाने में हमने आधा कप दूध लिया था, ये पूरा 1 टेबल स्पून दूध बच गया है। अब हम मठरी बनाएंगे। तो पहले हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। बोर्ड पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। और आटे को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। आधे आटे को ढककर रख देंगे। आधा आटा लेके हम थोड़ा सा इसे बाइंड कर लेंगे, गोल बना लेंगे। आटे से हम छोटी छोटी लोइयां बना लें, उन्हें गोल करें और छोटी छोटी मठरियां बेलकर बना लें, या फिर हम एकदम बड़ा आटा ले लें और इसे बेल लें और मठरियों को एक जैसा काट लें। तो जैसे भी हमें पसंद हो वैसे बना सकते हैं। आज हम इन्हें कुकी कटर से काट कर एक जैसा बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटा 1/4 सेंटीमीटर की थिकनेस में बेल लेंगे। ये हमने कुकी कटर ले लिया, इसे हम गोल गोल काट लेंगे। आप कोई ढक्कन ले सकते हैं, छोटा गिलास ले सकते हैं, उससे भी काट सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ढक्कन लिया है, इससे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से काट लेंगे। अब हम इनको फोर्क करेंगे। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे इसमें से और इन्हें पलटकर हम दूसरी ओर भी प्रिक कर लेंगे। सारी मठरियां इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तेल चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आटा डाल देते हैं। हमें मठरियाँ तलने के लिए कम गरम तेल चाहिए और गैस भी लो मीडियम चाहिए। तो अभी हमें लग रहा है तेल अच्छा गरम है, गैस हमने धीमी कर रखी है। मठरियाँ तलने के लिए डालते हैं। इन्हें थोड़ी देर सिकने देते हैं, जब ये ऊपर आ जाएंगे तैर कर तब इन्हें हम पलटेंगे। मठरियों को पलटते हैं, हमें अच्छी गुलाबी दिख रही है ऊपर से, दोनों ओर से अच्छी ब्राउन होने तक तलेंगे। मठरियाँ दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और सारी मठरियाँ इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये हमने सारी मठरियाँ तलकर तैयार कर ली। एक बार की मठरी तलने में 4-5 मिनट लग जाते हैं। इतने डोसे हमने 25 मठरियाँ बनाकर तैयार की हैं।
सूजी की स्वीट मठरियाँ सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी मठरी बनी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चीनी ध्यान से लेनी है, चीनी जितना आपने आटा लिया है उसका 1/3 लेते हैं। इससे आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, आधा चीनी नहीं लेंगे कि आटा हमने ले लिया 1 कप और आधा कप चीनी ले लें, वो ज़्यादा हो जाएगी, इससे हमारी मठरियाँ फट सकती हैं। आपको कम चीनी चाहिए, कम डाल सकते हैं। मठरियाँ तलते समय ध्यान रखना है कि तेल हल्का गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मठरियाँ ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से नरम निकलेंगी एकदम। हमें क्रिस्पी मठरी बनानी है, तेल कम गर्म हो और आग भी लो मीडियम हो, बहुत अच्छी मठरियाँ बनकर तैयार होंगी। इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और पूरे 1 महीने तक खा सकते हैं। सभी को पसंद आती हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।